वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हाउ आई गॉट 9 बैंड इन आयल्स रीडिंग। जैसे कि इसका एक सोल्यूशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी एंड इफेक्टिव मेथड है जिससे आप इजीली 9 बैंड अचीव कर सकते हैं इन आयल्स रीडिंग विद इन 4 डेज। एज जैसे कि मैंने अचीव किए थे विद इन 4 डेज आई गॉट 9 बैंड। तो जैसे कि 101% श्योर है कि आपको 9 बैंड अचीव होंगे। जैसे कि पहले हम कुछ कॉमन पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे कि काफ़ी बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जैसे कि जब वो थर्ड पैसेज पर पहुंचते हैं तो टाइम पूरा हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि रीडिंग बोरिंग हो लगती है, कुछ बच्चों को रीडिंग बोरिंग लगने की वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं होता और स्कोर्स भी कम आते हैं, और कुछ बच्चों के आंसर्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं, और कुछ बच्चों के हमेशा रीडिंग में जैसे कि बहुत लो स्कोर आते हैं, जैसे कि 5 या 5.5 बैंड ही पर ही हमेशा स्टक रहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों को आंसर नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हैंस वो डिमोटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके 5.5 बैंड ही हमेशा आते रहते हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आयल्स फ्रॉम आयल्स रीडिंग। तो मैं एक सोल्यूशन बताऊंगी जो आपको इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं बताया जाता है। जैसे कि अब से आपको कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब आप सिर्फ एक रीडिंग करेंगे और एक रीडिंग के साथ आप ईजिली एंड इफेक्टिव वे में 9 बैंड स्कोर्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता, जो फाइनल एग्जाम में रीडिंग आती है वो मोस्टली इन वेबसाइट में ऐसी आती है, मोस्टली, हमेशा नहीं रहे मोस्टली। जैसे कि आंसर्स मत क्रैम कीजिएगा, बट रीडिंग पैसेजेस मोस्टली इन वेबसाइट में से ही उठाए जाते हैं। फर्स्ट है IELTSFever.com, सेकेंड है IELTSOnlineTraining.com, थर्ड वेबसाइट है मिनी आयल्स, फोर्थ वेबसाइट है IELTSMaterial.com। साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आयल्स एग्ज़ाम वाली जो रीडिंग आती है वो फॉरवर्ड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम वाली रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, सपोज़ आपने एक रीडिंग पैसेज उठाया, आपके 40 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, तो जो 20 क्वेश्चन रॉन्ग गए हैं वो आप खुद एनालाइज करेंगे कि आंसर्स आपके क्यों रॉन्ग गए विदाउट एनीबडी हेल्प। और जैसे कि अगर आपने सपोज आपने 2 आवर्स स्पेंड किए उन आंसर्स पर, अगर आप 2 आवर्स स्पेंड करने के बाद आपके 40 और 40 क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं, तो इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो विद इन 4 डेज आपके इजीली बैंड स्कोर्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।